तो बेंटेन के अंदर जो चीज हमें सबसे ज्यादा पसंद है वो है बेंटेन के एलियंस, और वो भी एक नहीं बल्कि कई सारे एलियंस जो कि पावर्स एंड एबिलिटीज और ओरिजिन के मामले में तो एक दूसरे से काफी अलग अलग होते ही हैं, लेकिन इन एलियंस को बनाते वक्त बेंटेन क्रिएटर्स जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए वो है उन एलियंस का डिजाइन। अब इसमें कोई शक नहीं कि बेंटेन के ज्यादातर एलियंस का डिजाइन पहले से ही काफी बढ़िया होता है, लेकिन कई बार बेंटेन क्रिएटर्स उन डिजाइन में कुछ ऐसी छोटी मोटी डिटेल्स को भी एड कर देते हैं जिससे कि वो डिजाइन और भी ज्यादा बेहतर बन जाता है। एंड आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी ही डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूँ। और हाँ, वीडियो के एंड में मैंने तुम्हारे फेवरेट एलियन यानी कि फीडबैक से रिलेटेड भी एक डिटेल या यूं कहूँ कि एक फैक्ट बताया है जो कि प्रोबेबली फीडबैक के डिजाइन से रिलेटेड सबसे बड़ी डिटेल है जिसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो अगर तुम इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इस वीडियो का लाइक एम भी कम्प्लीट करवा देना जो कि है सिर्फ 7000 लाइक्स का और कमेंट्स का एम है 400 कमेंट्स। तो शुरुआत करते हैं अपग्रेड से। तो अपग्रेड का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा सिंपल और बढ़िया है, लेकिन जब हमें बेंटेन डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस के अंदर अपग्रेड दिखाया गया तो वो और भी ज्यादा बढ़िया लग रहा था क्योंकि उसके डिजाइन में शाइनी मेटेलिक टेक्सचर को ऐड किया गया था जिससे कि अपग्रेड की स्किन एक कंप्यूटर स्क्रीन के जैसी लग रही थी जो कि काफी ज्यादा सेंस भी बनाता है क्योंकि अपग्रेड लिक्विड मेटल की तरह है। हाँ, वैसे तो बेंटेन डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस मूवी में दिखाए गए सभी एलियंस के पर कोई ना कोई टेक्सचर है, लेकिन उन सभी एलियंस में से सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है अपग्रेड क्योंकि इसका जो मेटालिक टेक्सचर है ना वो अपग्रेड के डिजाइन में बाकी किसी भी एलियन के डिजाइन के मुकाबले सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करता है और इसके होने का सेंस भी बनता है। एको एको अपने ही साउंड अटैक से अपने ही कान के पर्दे ना फाड़ दे इसीलिए उसके पास हेडफोन्स होते हैं, ये तो आपको पहले से पता होगा, लेकिन क्या कभी आपने एको एको के पैर पे इस अजीब से डिजाइन पे ध्यान दिया जो कि देखने में एक कैसेट टेप की तरह दिखाई देता है। और अगर आप नए जमाने से हो तो शायद आपने कैसेट टेप्स का नाम भी ना सुना हो, पर अगर आप भिड़े के जमाने के हो तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा या फिर कभी ना कभी यूज भी किया होगा क्योंकि बेसिकली ये कैसेट्स ऑडियो और वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए और प्ले करने के लिए काम आते थे। एंड इस चीज को एको एको के डिजाइन में इंटीग्रेट करना वॉज अ नाइस टच। एंड ऐसा ही सेम डिजाइन आप अल्टीमेट एको एको के बैक पे भी नोटिस कर सकते हो। एनीवेज, तो अगली डिटेल है फोर आर्म्स से रिलेटेड। तो फोर आर्म्स के टोटल चार हाथ हैं, चार आंखें हैं और तो और उसके नाम में भी फोर है, लेकिन फोर आर्म्स के डिजाइन में एक और ऐसी चीज है जो कि चार चार मौजूद है लेकिन शायद आपने उसको नोटिस नहीं किया होगा। नहीं, मैं यहाँ पे उसकी चार उंगलियों की बात नहीं कर रहा, वो तो बेन के ज्यादातर एलियंस के पास होती ही है, बल्कि मैं तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्ट्राइप्स की। फोर आर्म्स के अल्टीमेट एलियन वाले डिजाइन में तो आप आसानी से चार स्ट्राइप्स को नोटिस कर सकते हो, लेकिन फोर आर्म्स के क्लासिक वाले डिजाइन में भी चार स्ट्राइप्स मौजूद हैं, एक सामने, दो कंधों पर और एक पीछे, जिसमें से सामने वाली स्ट्राइप का तो समझ में आता है लेकिन बाकी तीनों स्ट्राइप्स को जानबूझ के ऐड किया गया है। फोर आर्म्स के पीछे अगर एक भी स्ट्राइप ना हो तो उसका डिजाइन पीछे से काफी खाली खाली सा लगता है, तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है फोर आर्म्स के पीछे स्ट्राइप ऐड करने का। एनीवेज, अब ये जो अगली वाली डिटेल है ये हीट ब्लास्ट से रिलेटेड है जिसके बारे में शायद आप सभी को पहले से पता होगा, लेकिन मैं फिर भी उसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि ये डिटेल है ही इतनी कमाल की। तो हीट ब्लास्ट के अब तक के जितने भी डिजाइन हमें देखने को मिले हैं वो सारे ही एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर हैं, मतलब इनके बीच में आपको ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे, पर मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से इन सब में से जो सबसे ज्यादा बेस्ट डिजाइन है हीट ब्लास्ट के लिए वो है क्लासिक वाला, क्योंकि क्लासिक वाले हीट ब्लास्ट की बॉडी पे ये मूविंग प्लाज्मा वाला टेक्सचर होता है जो कि ठीक अपग्रेड के मेटालिक टेक्सचर की तरह ही हीट ब्लास्ट के डिजाइन में एक अलग वैल्यू ऐड करता है, और यही एक छोटी सी डिटेल क्लासिक वाले हीट ब्लास्ट के डिजाइन को काफी ज्यादा स्पेशल भी बना देती है क्योंकि हीट ब्लास्ट के बाकी डिजाइन के पास ये मूविंग प्लाज्मा वाला टेक्सचर नहीं था। सो नेक्स्ट इज डायमंड हेड। सो डायमंड हेड की ये पैच वाली डिटेल उसके क्लासिक वाले डिजाइन के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है ये मैं पहले ही आपको अपनी क्रोमास्टोन वर्सेस डायमंड हेड वाली वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे दोबारा से
डिस्कस नहीं करेंगे, परंतु डायमंड हेड के पैच से ही रिलेटेड एक और छोटी सी डिटेल मुझे मिली है, जिसको डिस्कस करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस इमेज को ध्यान से देखो। इस इमेज में आप साफ साफ देख सकते हो कि डायमंड हेड का जो ब्लैक कलर का पैच है वो डायमंड हेड के व्हाइट वाले पार्ट से ओरिजिनेट नहीं हो रहा, बल्कि वो डायमंड हेड के ब्लैक वाले पार्ट के पीछे से ओरिजिनेट हो रहा है। हाँ, जानता हूँ कि ये डिटेल बहुत ही छोटी सी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसके बारे में बताना जरूरी इसीलिए समझा क्योंकि अगर क्रिएटर्स चाहते तो इस पैच के कनेक्शन को डायमंड हेड के पीछे ना भी दिखाते तो भी चल जाता और इससे डायमंड हेड के डिजाइन को बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस छोटी सी डिटेल को ऐड किया, तो इसके लिए अप्रिसिएशन तो बनता है। लेकिन पता नहीं क्यों ओमनिवर्स के फ्लैशबैक वाले डिजाइन में इन्होंने इस पैच वाली डिटेल को ऐड ही नहीं किया। मतलब यार, रिप जॉज के डिजाइन में तो तुमने पैच वाली डिटेल ऐड कर दी, तो डायमंड हेड को क्यों छोड़ दिया? उसमें भी कर देते और अच्छा हो जाता उसका डिजाइन, लेकिन नहीं, हमको तो करना ही नहीं है। बाय द वे, टॉकिंग अबाउट रिप जॉज, तो रिप जॉज से रिलेटेड भी एक डिटेल है मेरे पास। तो रिप जॉज का तो आपको पता है कि जब वो जमीन पे रहता है तो उसके पैर होते हैं, लेकिन जब वो पानी के अंदर जाता है तो उसके पैर जुड़ के मछली की पूंछ की तरह बन जाते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा बढ़िया तो लगता ही है। लेकिन शायद आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस नहीं की होगी कि जब तक रिप जॉज अपने पैरों को पूंछ नहीं बनाता, तब तक रिप जॉज के ये जो आगे और पीछे ब्लैक कपड़े जैसी स्किन है उस पे जो लाइंस है वो काफी ज्यादा पतली पतली दिखाई देती है। पर जैसे ही रिप जॉज अपने पैरों को जोड़कर पूंछ बना लेता है, वैसे ही ये लाइंस काफी मोटी मोटी हो जाती है, या यूं कहूं कि खिंच जाती है, और इसी वजह से रिप जॉज की पूंछ थोड़ी सी लंबी भी दिखाई देती है। वैसे मैं रिप जॉज का बहुत बड़ा फैन हूं, पर सच बता रहा हूं, इस डिटेल को बचपन में मैं भी नोटिस नहीं कर पाया था, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से कई सारे लोगों ने भी इसे नोटिस नहीं किया होगा। एनीवेज, तो अब बात करते हैं तुम्हारे फेवरेट एलियन फीडबैक की एक डिटेल के बारे में, जो कि प्रोबेबली फीडबैक के डिजाइन से रिलेटेड सबसे बड़ी डिटेल है जिसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता होगा। सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि फीडबैक हमें इंट्रोड्यूस तो बेंटेन ओमनिवर्स में कराया गया था, लेकिन स्टोरी वाइज इसे हमें दिखाया कुछ इस तरह से जाना था ताकि हमें लगे कि ये एलियन बेन के पास बेंटेन क्लासिक के टाइम से ही था। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बेंटेन ओमनिवर्स के आर्ट डायरेक्टर डेरिक जे व्हाइट ने खुद फीडबैक को डिजाइन नहीं किया, बल्कि उन्होंने बेंटेन क्लासिक के वन ऑफ द कैरेक्टर डिजाइनर डेव जॉनसन से रिक्वेस्ट की कि वो फीडबैक को डिजाइन करे ताकि फीडबैक देखने में बिल्कुल क्लासिक सीरीज के एलियन की तरह ही लगे। और फिर क्या था, डेव जॉनसन ने बर्शॉक की कलर स्कीम उठाई और फीडबैक का वो डिजाइन बना दिया जिसको आज हर कोई बेंटेन फैन पसंद करता है। एंड अगर आपको भी ये डिजाइन और इस वीडियो में बताई गई डिटेल्स पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि सच में यार, इस अकेली वीडियो को बनाने में मेरी दो वीडियोस को बनाने की मेहनत लग गई है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और मुझे कमेंट करके ये बताना कि इस वीडियो में बताई गई डिटेल्स में से तुम्हारी फेवरेट डिटेल कौन सी है। और बाकी तो मैं तुम्हें अपनी क्रोमा स्टोन वर्सेस डायमंड हेड वाली वीडियो सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उसमें काफी कम व्यूज आए थे। लेकिन अगर तुम्हें बेंटेन एलियंस की और भी हिडन डिटेल्स के बारे में जानना है तो तुम ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। पीस।